नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राव। मध्य प्रदेश में चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि कमलनाथ को डबल टेंशन में डाल दिया। जी हां, कमलनाथ जिनके कांधे पर इस चुनाव की जिम्मेदारी थी, बुरी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। कांग्रेस पार्टी को जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनका पीसीसी अध्यक्ष से इस्तीफा स्वीकार भी हो गया और इस सारी हार की जिम्मेदारी उनके कांधे पर डाली जा रही है। कमलनाथ इस वक्त इस हार के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन इस हार के बोझ तले दबे कमलनाथ की टेंशन शिवराज सिंह चौहान ने और बढ़ा दी। जी हां, चुनाव नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा बयान दिया और एक ऐसी चुनौती दे दी जिसके बाद मैं कह रहा हूं कि कमलनाथ की रातों की नींद गायब हो गई होगी, उड़ गई होगी। शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्या कहा, ऐसी क्या चुनौती दे दी, ऐसी क्या चेतावनी दे दी, सब बताऊंगा आपको कि कमलनाथ परेशान हो गए होंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान ने एक कसम ले ली है, एक प्रण ले लिया है और उस प्रण को पूरा करने के लिए वो जुट गए। क्या वो प्रण है वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस कितनी बुरी तरह विफल हुई है और कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को ये उम्मीद ही नहीं थी, उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी कांटे की टक्कर बता रही थी, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी कांटे की टक्कर बता रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में 160 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर सारे भ्रमों को दूर कर दिया और कमलनाथ की भी उस योजना को धराशाही कर दिया जिसके तहत उन्होंने सत्ता में वापसी का प्लान बनाया था। लेकिन इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान जीत के विजयी रथ पर सवार होकर जब जीत कर निकले तो उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है और उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद कमलनाथ जो है वो टेंशन में आ गए। और कमलनाथ आए भी क्यों ना टेंशन में, आप सिनेरियो पर नजर डालें, जब शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की तो उन्होंने जनता का अभिवादन करने के लिए भोपाल का जमुरी मैदान या फिर अपने संसदीय क्षेत्र, अपने माफ करिएगा विधानसभा क्षेत्र की जनता को नहीं चुना जहां से वो बंपर मतों से जीते हैं, वो उस क्षेत्र में जनता का धन्यवाद अदा करने गए जहां से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। सातों की सातों सीट जिस जिले से कमलनाथ के, जिस छिंदवाड़ा जिले से जो गृह जिला है कमलनाथ का, जहां से भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीटें हारी, वहां सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और वहां की जनता का उन्होंने आभार जताया कि आपने हमें भलाई जिताया नहीं है, लेकिन मैं यहां आया हूं और मैं इसलिए आया हूं क्योंकि वो जो चुनौती कमलनाथ को शिवराज सिंह चौहान ने दी है उसे वो पूरा करना है उन्हें। आज छिंदवाड़ा में थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया लाडली बहनों को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को। उसके बाद पातालेश्वर में, जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर पातालेश्वर एक इलाका पड़ता है छिंदवाड़ा में, वहाँ उन्होंने एक आदिवासी के घर भोजन किया। दरअसल पातालेश्वर छिंदवाड़ा का वो वार्ड है जिस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और वो एक तरह से विजयी रहा है उस वार्ड से, भारतीय जनता पार्टी के जो बंटी साहू वहाँ से चुनावी मैदान में थे, इसलिए भी उन्होंने उस पातालेश्वर वार्ड को चुना और उस वहाँ पर आदिवासी के घर जाकर वो भोजन करेंगे शिवराज सिंह चौहान। लेकिन आप कहेंगे कि छिंदवाड़ा ही क्यों, भाई वो बुधनी भी जा सकते थे भोपाल के बड़े जमुरी मैदान में या बाकी जगह वो एक भव्य कार्यक्रम कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा को क्यों चुना? तो उसके पीछे शिवराज सिंह चौहान का वो प्रण है, वो कसम है जो उन्होंने खाई थी चुनाव जीतते ही। क्या थी वो कसम, सबसे पहले इस बाइट को आप सुनिए। लेकिन आज अब एक संकल्प छिंदवाड़ा को लेना पड़ेगा और मैं उसी संकल्प के लिए आया हूं। बताऊं क्या? देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे, जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20-20, 22-22 घंटा काम किया है।
वैसे ही ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में 29 कमल की माला डालनी है। और ये 29 कमल की माला है 29 लोकसभा की सीटें जो मध्य प्रदेश में आती है, और वो जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। अब आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात ये है और कमलनाथ की टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने कोई संकल्प ले लिया, प्रण ले लिया, तो उसे वो पूरा करके रहते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। तो कमलनाथ छिंदवाड़ा से लगातार विजयी होते रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी जो लेगेसी है अपने बेटे नकुलनाथ को सौंप दी, और अभी वर्तमान में छिंदवाड़ा से नकुलनाथ सांसद है। तो शिवराज ने अगर प्रण लिया है कि इस बार वो छिंदवाड़ा की सीट्स भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल के रहेंगे, तो कमलनाथ की टेंशन बढ़नी लाजमी है। इससे पहले आपको बता दें कि 2014 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 सीटें लोकसभा की तबाही थी, और तब 2 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई थी, जिसमें एक सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी और दूसरी सीट पर कमलनाथ स्वयं सांसद बने थे। लेकिन अगले चुनाव में 2019 के चुनाव में सिंधिया के सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी खेमेबाजी की, ऐसी ताकत लगाई कि सिंधिया की वो सीट भी सिंधिया बचाने में नाकाम हो गए थे, जो उनका अजय गढ़ था, अजय किला था। तो अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है, शिवराज सिंह चौहान ने ठान लिया है कि कमलनाथ की सीट पर वो कमलनाथ के बेटे को हरा के रहेंगे, तो ये कमलनाथ के लिए टेंशन देने वाला है। थोड़ा सा आपको ये बता दें कि कमलनाथ का ये किला जो है, छिंदवाड़ा किला जो है, वो कितना अजय है और कैसा अजय, ये समझने के लिए आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा छिंदवाड़ा की। 1980 सबसे पहले यहाँ से कमलनाथ सांसद बनते हैं, इंदिरा गांधी उन्हें लेके आती हैं और अपना बेटा इंट्रोड्यूस करके ज़िले में उन्होंने कमलनाथ को इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरा एक और बेटा है और इसे मैं छिंदवाड़ा ज़िले को सौंप के जा रही हूँ। और उसके बाद से लगातार कमलनाथ वहाँ से जीतते रहते हैं। 1980 के बाद लगातार वो सांसद यहाँ से बने। लेकिन 1996, 16 साल बाद एक ऐसा वक्त आता है जब मध्य प्रदेश की इस छिंदवाड़ा सीट से लगातार चुनाव जीत रहे कमलनाथ, 4 बार लगातार चुनाव जीत रहे कमलनाथ जो है, वो 96 में इनका नाम एक हवाला कांड में आता है। और इस हवाला कांड में नाम आने के बाद कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है, तो उन्हें मजबूरन अपनी पत्नी अलकानाथ को वहाँ से चुनाव लड़वाना पड़ता है। अलकानाथ चुनाव लड़ती है, अलकानाथ चुनाव जीत भी जाती है कमलनाथ के नाम पे। लेकिन कमलनाथ चूंकि सांसद नहीं रहे, अब उनकी पत्नी सांसद है, तो वो जो कमलनाथ का VVIP बंगला था जो वहाँ उन्हें अलॉट हुआ था, उसको खाली करने के लिए उन्हें नोटिस मिलता है, लुटियंस जोन में जो बंगला मिला है। और वो जब कमलनाथ बहुत कोशिश करते हैं कि वो जो बंगला उन्हें मिला हुआ है लुटियंस जोन में, वो उन्हें खाली ना करना पड़े, उसके लिए पूरी जोर आजमाइश करते हैं वो, लेकिन वो उस बंगले को बचा नहीं पाते, नोटिस उन्हें मिल जाता है। तो कमलनाथ एक दांव चलते हैं और कमलनाथ अपनी पत्नी का इस्तीफा करवा देते हैं। जब छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट खाली हो जाती है तो फिर उस लोकसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं और उस उपचुनाव में फिर से कमलनाथ चुनावी मैदान में खड़े होते हैं। लेकिन तब उस उपचुनाव में उनकी टक्कर होती है मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा से, और सुंदरलाल पटवा कमलनाथ को ऐसी तगड़ी टक्कर देते हैं कि कमलनाथ भी चुनाव, उस उपचुनाव में चुनाव हार जाते हैं और सुंदरलाल पटवा की जीत होती है। लेकिन उसके बाद जब मुख्य चुनाव होते हैं अगले 97 में, उपचुनाव जो हुए थे उसके बाद जब 98 में फिर चुनाव होते हैं, तो फिर सुंदरलाल पटवा जब कमलनाथ के खिलाफ लड़ते हैं तो सुंदरलाल पटवा को हार का सामना करना पड़ता है और कमलनाथ एक बार फिर सांसद बन जाते हैं, और उसके बाद लगातार कमलनाथ ही छिंदवाड़ा से सांसद रहते हैं। लेकिन इस अजय किले को भेदने में भारतीय जनता पार्टी एक बार कामयाब हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा ने उस किले को भेदा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि छिंदवाड़ा के कमलनाथ के किले को भेदना असंभव है,
अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे, और इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने अगर प्रण किया है कि 29 कमल के माला फूलों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में डालेंगे, तो कमलनाथ भी ये जानते हैं कि उनके बेटे के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के पास न तो सत्ता है, इस चुनाव में बहुत बुरी हार हुई है और इस बुरी हार का सदमा कांग्रेसी वैसे ही डिप्रेशन में, और उस हार के बाद शिवराज सिंह चौहान का एक प्रण और 4 महीने बाद होने वाले सामने चुनाव, और उस चुनाव में अपने बेटे की किस्मत दांव पर। तो इसीलिए हम कह रहे कि शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को ऐसा टेंशन दे दिया है कि उनकी रातों की नींद जो है वो गायब हो गई है, और अब अपने बेटे की सीट बचाने के लिए वो जद्दोजहद में जुट जाएंगे। हालांकि कमलनाथ अभी तक अपनी 7 सीटें जीतने के बाद भी जनता का आभार नहीं कर पाए, उससे पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर चौका मार दिया और पहले छिंदवाड़ा पहुंचकर छिंदवाड़ा की जनता को आभार दे दिया कि आपने भले ही हमें हरा दिया, लेकिन जिस वार्ड से हम जीते उस कार्यकर्ता के घर हम खाना खाकर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो शिवराज सिंह चौहान ने वो रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है जिसके तहत उसे छिंदवाड़ा की सीट को परास्त करना है, और अब आप देखेंगे इसके बाद इन 4 महीनों में शिवराज सिंह चौहान के लगातार दौरे आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेंगे, और कमलनाथ की मुश्किलें वो लगातार बढ़ाने वाले हैं। छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा की सीट अगर शिवराज सिंह चौहान ने यह प्रण कर दिया है तो इस बार बड़ी मुश्किल होने वाली है कमलनाथ और उनके बेटे के लिए। तो ये वो शिवराज सिंह चौहान का प्रण है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस बार छिंदवाड़ा की सीट को भी हम हरा के रहेंगे। तो ये वो बयान है जिसकी वजह से कमलनाथ की रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ये संभव है? शिवराज सिंह चौहान ने अगर कहा है, क्या कमलनाथ के इस किले को वो भेद पाएंगे, और क्या लोकसभा में इस बार मध्य प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ क्या वो होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए VK News। नमस्कार। VK News, राष्ट्र के नाम।